1 अक्टूबर 2016 से चालू हुई पिराई सीजन में 31 जनवरी 2017 तक चीनी उत्पादन में 14.25 लाख टन की कमी आकर कुल उत्पादन 128.55 लाख टन हुआ है, जबकि पिछले साल के समान अवधि में 142.80 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। इस समय देश भर में केवल 334 चीनी मिलों में पिराई चल रही है, जबकि पिछले साल के समान अवधि में 494 चीनी मिलों में पिराई चल रही थी। सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र के साथ ही कर्नाटक में गन्ना कम होने के कारण चीनी मिलों में पिराई बंद होने लगी है। महाराष्ट्र में चालू पिराई सीजन में 31 जनवरी 2017 तक केवल 36.76 लाख टन ही चीनी का उत्पादन हुआ है, जबकि पिछले साल राज्य में इस समय तक 54.17 लाख टन चीनी का उत्पादन हो चुका था। इस समय राज्य में केवल 58 चीनी मिलों में ही पिराई चल रही है। उधर कर्नाटक में भी चालू पिराई सीजन में अभी तक 20.25 लाख टन ही चीनी का उत्पादन हुआ है, जबकि पिछले साल इस समय तक राज्य में 26.92 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। राज्य में इस समय केवल 13 चीनी मिलों में पिराई चल रही है। एक नज़र उत्तर प्रदेश के चीनी उत्पादन पर डाले तो चालू पिराई सीजन में 1 अक्टूबर 2016 से 31 जनवरी 2017 तक यहां 45.59 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है, जबकि पिछले साल इस समय तक केवल 35.94 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। यहां चालू पिराई सीजन में अभी तक 3.50 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है, जबकि पिछले साल इस समय तक 2.66 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। और गुजरात की बात करें तो इस राज्य में 5.75 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है, जबकि पिछले साल इस समय तक 6.99 लाख टन का उत्पादन हुआ था। अन्य राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चालू पेराई सीजन में 3.50 लाख टन, बिहार में 3 लाख टन, उत्तराखंड में 1.73 लाख टन, पंजाब में 3 लाख टन और हरियाणा में 2.60 लाख टन और मध्य प्रदेश में भी 31 जनवरी 2017 तक 2.60 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है।